तो जनाब आज हम लोग देखेंगे पेट्रोल पंप में जो लोग पेट्रोल डालते हैं बाइक में और गाड़ी में, वो सब के हाइजीन मेंटेन करते हैं। डू दे वेयर द मास्क, वो लोग क्या मास्क पहनते हैं। उधर देखो सामने, उधर सामने देखो, जस्ट लुक एट देयर। पुलिस देखो यहाँ से पैसा उठा रहे हैं जो लोग ट्रक ड्राइवर से। ये जितने आप दुकान देख रहे हो सब जियो का दुकान है, और कंपेयर टू अदर सिटी मेरा यहाँ पर सब्जियों का दाम थोड़ा सा कम है। हेलो जी दोस्तों, एंड वेलकम इन नया व्लॉग। आज के व्लॉग होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज के व्लॉग में हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल थिंग। क्या स्पेशल थिंग वो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मेरा ये गोप्रो का नया माइक अडाप्टर। तो अरे भैया तेल नहीं ऑन हुआ है, तो यस हियर इट इज़, लेट्स मूव ऑन। तो आज के मैं टेस्ट ड्राइव में निकला हूँ, टेस्ट ड्राइव एग्जैक्टली गोप्रो का साउंड। अभी तक तो इनबिल्ट जो अंदर का जो माइक है उस माइक से मैं शूट कर रहा था, बट आज से मैं जो भी मोटो व्लॉग आने वाला है आई विल शूट इन माई गोप्रो माइक अडाप्टर। जो नया अडाप्टर मैंने लिया है लास्ट वीक में, उससे मैं शूट करने वाला हूँ। और इसके साथ ही थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, कुछ खरीदारी भी करना है, तो दो चीज़ एक साथ होने वाला है गाइस। एक पहले तो एक मोटो व्लॉग का खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा विंटर विंटर का सीन इन माय एरिया। देखो यहाँ पर लड़के लोग इस मैदान में खेल रहे हैं, एंड एक जस्ट लाइक ठंड का एक अच्छा माहौल यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ मेरा यहाँ का जो मार्केट एरिया के मतलब जो स्टेशन एरिया है वहाँ पर मैं आ चुका हूँ। ये है लोकल ट्रेन स्टेशन का फाटक। गॉड सेक भाई, स्टेशन का जो ये रेल गेट है ये खुला हुआ है। जब भी मैं जाता हूँ अनफॉर्चुनेटली तब भी ये रेल गेट का फाटक हर वक्त बंद रहता है। आज आप व्लॉग कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, इसीलिए शायद थोड़ा सा गेट को खुला रखा है मोशन के लिए। वाह भाई वाह। बट यहाँ पर भाई देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए हैं, बहुत सारे लोग मास्क भी नहीं पहने हैं। मैं सोचता हूँ 80% लोग तो मास्क लगा लेते, दे यूज़ देयर मास्क फॉर देयर प्रोटेक्शन, बट जो 20% जो लोग होते हैं ना, जो एकदम क्या बोलो, जिसको चूतिए बोला जाता है, वो सब सारे मास्क नहीं पहनते। इसीलिए एक कोरोना का जो खतरनाक खेल अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। तो सोचिए अगर सब लोग एक साथ मास्क पहन लेता है, सब लोग एक साथ जो प्रोटेक्शन है लेते हैं, तो कितना अच्छा होता है। ये 9 महीने से हम लोग घर में बंद है अभी तक। तो जनाब आज हम लोग देखेंगे पेट्रोल पंप में जो लोग पेट्रोल डालते हैं बाइक में और गाड़ी में, वो सब के हाइजीन मेंटेन करते हैं। डू दे वेयर द मास्क, वो लोग क्या मास्क पहनते हैं। उधर देखो सामने, उधर सामने देखो, जस्ट लुक एट देयर। पुलिस देखो यहाँ से पैसा उठा रहे हैं जो लोग ट्रक ड्राइवर से, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लोड कर लिया है शायद, इसीलिए दे आर टेकिंग द मनी। एक्चुअली ये बंगाल में एक चीज़ बहुत ऐसा हो रहा है, यहाँ पर सिविक वॉलंटियर का मतलब क्या बोलूँ, उस पर जो पुलिसों का जो असिस्टेंट है, पुलिस को जो हेल्प करता है एग्जैक्टली, तो वो लोग अभी पुलिस के साथ मिलकर चेकिंग मेकिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग का रहता है। तो पुलिस से भी ज़्यादा एक्टिव है वो भाई साहब। वहाँ पर देखो यस, सभी यहाँ को गाड़ी को रुक कर वो लोग जस्ट लाइक क्या कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं छोड़ने के लिए। बट नेचुरली यहाँ पर पुलिस का परमिशन लेकर ही ये सब करते हैं। तो अभी पुलिस ये खुद नहीं करता, जो ये पैसा जो ट्रक ड्राइवर से जो पैसा लूटने का जो काम है वो अभी पुलिस डायरेक्टली नहीं करते, ये जो सिविक वॉलंटियर्स हैं उनसे ही करवाते हैं। और जैसे टीवी न्यूज़ चैनल में रिपोर्ट भी शायद आपने देखा होगा, बट कोलकाता का यह सीन है, पुलिस का ड्रेस होता है खाकी और वाइट, और ये सिविक वॉलंटियर भाइयों का, ये देखो यहाँ पर देखो लाइट जला के रास्ते को क्लियर कर रहा है, इन लोगों का ड्रेस का कलर होता है ब्लू। तो चलो जी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर का सीन क्या है। करप्शन, भारत मेरा देश महान, 100 में से 90 बेमान। तो अभी मैं ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ, मेरा HP का पेट्रोल पंप पे एकदम पास है, ये है आ गया हूँ पेट्रोल पंप के पास।
तो अभी देखेंगे यहाँ पर कैसा हाइजीन मेंटेन होता है, मास्क मास्क पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं और क्या सब पूछेंगे नहीं, चुपचाप वीडियो शूट कर लेंगे, बाद में आपको दिखाएंगे। तो देखा जी आपने, मास्क तो पहना है बट मास्क को ठीक तरह से उसने लगाया नहीं, तो ठीक है चलो इसको आउट ऑफ 100 out of 50 दे सकते हो। पूरा हाइजीन तो नहीं बट ये भी ठीक नहीं है। एग्जैक्टली लोग, हज़ारों लोग हर वक्त यहाँ पर पेट्रोल डालने आते हैं, भाई किसके अंदर क्या, ये खुद का सेफ्टी का भी इशू है और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनका भी सेफ्टी का इशू है। ये सड़क के रास्ते से निकलते हो भाई, जो लोकल लोग होते हैं, लोकल लोग कुछ ऐसे रास्ते को इन्वेंट कर लेते हैं जो सिर्फ लोकल लोगों को ही पता होता है। एज लाइक दैट नाउ आई एम डूइंग। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये एकदम मेन रोड से अलग, एकदम साइड से जाता है ये डिफरेंट वे, एक छोटा सा नैरो लेन है। जो ये रास्ता मैंने इन्वेंट किया था जब मैं बच्चा था, मेरा स्कूल, मेरा जो प्राइमरी स्कूल यहाँ के एकदम पास में एक स्कूल है दीप शिखा स्कूल, वहाँ से मेरा हुआ था, तो इसीलिए आई नो दिस प्लेस वेरी वेल। ये भैया मैं पहुंच गया हूँ अपन का लोकल मार्केट में, सब्जी बाजार में। ये जितने आप दुकान देख रहे हो सब्जियों का दुकान है और कंपेयर टू अदर सिटी मेरा यहाँ पर सब्जियों का दाम थोड़ा सा कम है। क्यों कम है? बिकॉज मेरा घर जहाँ है ये एकदम शहर और गांव का बीच का मिडिल का सबर्न है। सबर्न का मतलब जो पूरा शहर भी नहीं जो पूरा गाँव भी नहीं। तो भैया ऑलरेडी हो चुका है मेरा ख़रीदारी और जो अंकल जी से मैं ख़रीदारी कर रहा था ही वॉज़ वेरी क्वाइट फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरे ऐसे बहुत अच्छी तरह से एक दोस्ती है उनके साथ। जब भी मैं आता हूँ उससे ही ख़रीदता हूँ, मैं कुछ भी देखता नहीं, उसके ऊपर ही मैं छोड़ देता हूँ, भैया ये सब मुझको चाहिए आप दो, वही देख कर देता है। और आज मुझे पूछ रहा था, मेरे पापा को भी वो जानते हैं, क्योंकि लास्ट डे में मैं आया था मेरे पापा के साथ। अरे बस बस तो कमाल हो गया, जाने के बाद भी रेल गेट खुला हुआ था और रिटर्न होने के टाइम में भी रेल गेट खुला हुआ है। थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू है बट इट्स ओके, इट्स गुड। भाई यकीन मानो 10 में से 9 बार जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ ये जो रेल गेट भाई हर वक्त ही क्लोज रहता है, 10 मिनट 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद ट्रेन क्रॉस होने के बाद खुलता है इट ओपन्स। बट आज लग भी साथ दे रहा है, व्लॉग भी बना रहा हूँ, एवरीथिंग इज़ क्वाइट कूल मैन। देखो जब टाइम अच्छा चलता है सब कुछ अच्छा ही रहता है। तो भैया खरीदारी तो कंप्लीट हो गया, अभी मैं घर जा रहा हूँ, थोड़ा सा रेट आपको बता देता हूँ, रेट है इसका दाम क्या है।
प्याज का दाम चल रहा है अभी यहाँ पर 70 रुपये किलो। टमाटर का दाम चल रहा है कितना, टमाटर का दाम चल रहा है 60 रुपये किलो। और जो जो चिली है मिर्च, उसका चल रहा है ग्रीन चिली, उसका चल रहा है जस्ट लाइक 100 रुपये, 120 रुपये किलो। तो क्वाइट रिजनेबल है, 200 ग्राम ग्रीन चिली, टमाटर, प्याज सब खरीद लिया हूँ और नाउ घर में जाना है। ये था थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग, होप सब एंजॉयड। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो भाई ये मेरा ग्रीन ग्रीन हाउस आ गया है। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।